खबर उन्नाव जिले से है। यहाँ बीजेपी विधायक ने अनूठी पहल की है। इस यात्रा का शुभारंभ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सांसद साक्षी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता एक साल तक अपने निजी खर्च से विधानसभा क्षेत्र के 12,000 गरीब तबके के लोगों को श्रीराम भक्तों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या नगरी की यात्रा करवाने जा रहे हैं। वहीं इस यात्रा का स्लोगन श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा दिया गया है। यात्रा में श्रवण कुमार की भूमिका में विधायक पंकज गुप्ता हैं। आपको बता दें कि आज यात्रा की शुरुआत उन्नाव के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम व लौकुश के क्रीड़ा स्थली जानकी कुंड परिहर से हुई। यात्रा के पहले जत्थे को उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं बीजेपी विधायक व यात्रा के आयोजक पंकज गुप्ता ने दर्शनार्थियों को विदा करने के पहले उनके पैरों को जल से धुलकर रवाना किया। एमएलए की इस यात्रा की जमकर सराहना हो रही है। इस दौरान जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक गरीब वर्ग के लगभग 12,500 श्रीराम भक्तों को प्रभु की पावन अयोध्या नगरी ले जाकर प्रभु के दर्शन कराने का संकल्प लिया है। प्रभु श्री राम के दर्शन के अलावा भक्तों को अयोध्या के 14 धार्मिक स्थलों के दर्शन का लाभ कराया जाएगा। यात्रा को रवाना करने के बाद सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि इतिहास में पढ़ा था कि श्रवण कुमार नाम का कोई बालक था जिसने अंधे माँ बाप को कंधे पर यात्रा कराई थी। उसी कार्य को आज उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता कर रहे हैं। इस कार्य की जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले हम इतिहास में सुना करते थे, एक श्रवण नाम का बालक था जिसने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर धर के यात्रा तीर्थ यात्रा कराई थी। अब युग बदला है, समय बदला है। उन्नाव के यशस्वी सदर विधायक पंकज गुप्ता जी ने पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा नाम से ये संकल्प लिया है कि आज से हर तीसरे दिन दो बसें अपने संसदीय क्षेत्र से, अपने विधानसभा क्षेत्र से वो हर तीसरे दिन अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भेजेंगे। तो मैं हृदय की गहराई से उनके इस विचार का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ पंकज गुप्ता को इस प्रकार की शक्ति और प्रदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।